जब बात होती है हैंडबैग एसेंशियल्स की, तो कैसे पीछे रह जाए सनस्क्रीन? भाई सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बचाती है आपको सन की हार्मफुल यूवी रेस से। प्रज्ञा, क्या आपको भी मैं एक प्रॉब्लम स्क्रीन गिफ्ट कर दूं? प्रॉब्लम स्क्रीन इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में भी फिलहाल आई है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, और आपके साथ साथ वहाँ रिया और प्राची की लाइफ में भी चल रहा है एक नया ट्विस्ट। आइए दिखाएं आपको कुमकुम भाग्य का भाग्य। अभी प्रज्ञा का मिलन। रिया रणबीर की नजदीकियां, प्राची की नजरों का धोखा। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में जहां एक तरफ प्रज्ञा की कोशिश हो गई है कामयाब, तो वहीं दूसरी तरफ अभी प्रज्ञा की बेटियां यानी कि रिया और प्राची के घर में चल रहा है षड्यंत्र का खेल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अभी और प्रज्ञा की। भाई अभी जेल में थे और उन्हें बचाने की कोशिश में जुटी थी प्रज्ञा। केस कोर्ट तक पहुंचा और कटघरे में खड़े हो गए अभी। अभी को सजा मिलने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर रक्षक बनकर पहुंच गई प्रज्ञा और उसने कोर्ट में सबूत दिखाकर अभी को बेगुनाह साबित कर दिया, जिसके बाद अभी बाइज्जत बरी हो गए। और ऐसे में अभी और प्रज्ञा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, दोनों एक दूसरे के गले मिल गए। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। हाँ, कटघरे में खड़ा था मैं, तो एक ऐसा केस था जिसके जो किसी और ने किया था लेकिन उसका इल्ज़ाम उस पर आ रहा था, लेकिन इन वक्त पर जैसे है, होता है सबूत मिला और हम बच गए। भाई यहाँ तो अभी और प्रज्ञा की लाइफ में ऑल इज वेल हो गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिया चल रही है चाल। देखे तो जरा कैसे रिया की एक तरफा मोहब्बत बन गई है जानलेवा। इस बार उसने ऐसी चाल चली जिसके बाद करीब आ गए रणबीर और रिया, और ये सारा नजारा देखा प्राची ने, जिसे देखकर प्राची को लगा जोर का झटका। जब वो देखती है कि रिया की बातें रणबीर पे असर नहीं कर रही है, तो ऑफ कोर्स कोशिश करती है कि उसकी कहीं, मतलब हर बार वो इसी फिराक में रहती है कि कहीं रणबीर उसे बस पास में मिल जाए, उसे छूने का मौका मिले। तो शी इज़ ट्राइंग टू बी वेरी टची विद रणबीर राइट नाउ, और इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें ऐसा करती रहती है। भाई रिया तो चाहती ही है कि प्राची और रणबीर किसी तरह बस अलग हो जाएं, और अब उसके दिमाग में आया है एक और खुराफाती आइडिया। तो इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, रिया जो है वो रणबीर के साथ मेंटल गेम्स खेलने की कोशिश कर रही है। ओह माय गॉड, दैट्स अ बिग वर्ड। एंड ऐसा नहीं है पहली बार कर रही हो, शी इज यूज्ड टू इट नाउ, इट्स वेरी इजी फॉर हर। तो अभी सीक्वेंस में वही कोशिश है, ट्राई कर रही है। आप खुद रिया से पूछिए क्या कर रही हो। वो सोचती है कि अगर वो रणबीर और प्राची को दूर नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती, उन दोनों का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती, तो एक काम करती हूँ। रिया ने डिसाइड किया कि वो ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करे, या फिर बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करे जहाँ पर लोगों को डाउट हो कि सिद्धार्थ और प्राची के बीच में कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से उसे लाइक शी इज़ ऑप्टिमिस्टिक, रिया को उम्मीद है कि शायद उसकी वजह से, ऐसे थॉट प्रोसेस की वजह से शायद रणबीर और प्राची में फिर फाइनली उनके रिश्ते में दरार आ जाए। दैट्स व्हाट रिया इज करंटली ट्राइंग टू डू। अरे रिया मैडम, प्राची और रणबीर एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, उनको जुदा करना इतना आसान नहीं है। आप कोशिश में लगे रहिए, क्योंकि लव स्टोरी में ट्विस्ट नहीं आएगा तो मजा कैसे आएगा। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।